और जानेंगे इनके व्यूज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी आप? बिल्कुल ठीक ठाक। ये जो आज यहाँ पे लॉन की लॉन्चिंग हुई है, इसमें आप कैसा फील करी, कैसे लगे आपको लॉन्च? बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। एक तो ये इवेंट QTY का है और बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज हुआ हुआ है, मगर जितना भी अच्छा ऑर्गेनाइज हो, रश आप देख रही हैं तो उसका लॉन का हिट होने का अंदाजा हो जाता है कि रश है तो इसका मतलब है लॉन हिट हो गई है। आप देख रही हैं कि वहाँ पे रिसेप्शन पे कितनी ज्यादा लाइन लेडीज की है कि वो प्रिंट्स बल्कि शॉर्ट हो रहे हैं। सो बहुत अच्छा लग रहा है, प्रिंट्स बहुत अच्छे हैं, कलर्स बहुत अच्छे हैं, फैब्रिक बहुत अच्छा यूज किया है, तो सब चीजें डिफरेंट है, वेरी नाइस। पुराने गीत पुरानी के हवाले से आप क्या कहें? ओल्ड इज गोल्ड। यही कहूंगी कि जो पुराने गाने होते हैं उनका कोई कंपैरिजन ही नहीं है, क्योंकि नए गाने आते हैं, आप सुनते हैं, आपको अच्छा लगता है, बिल्कुल लगता है, पर जो मजा आपको पुराने गाने सुन के आता है ना, जैसे लगता है कि अंदर आपके रूह के अंदर कुछ सुकून मिल गया है। तो मुझे तो वैसे भी पुराने गाने बहुत अच्छे लगते हैं। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तू देना साथ मेरा हमनवा। आप किसी को डेडिकेट करना चाहती हैं? अपने हस्बैंड को। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम अगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। हो चांदनी जब तक रात देता है मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा।
मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। जो इस लॉन्चिंग की ऑर्गेनाइजर है, अस्सलाम वालेकुम। कैसी आप? बिल्कुल ठीक, आपका क्या हाल है? आपने ऑर्गेनाइज किया लॉन्चिंग की, आप कैसा फील, आपका कैसा इवेंट गया, आपने क्या फील? बहुत अच्छा गया है, आई फील वेरी प्राउड, अ लॉट ऑफ द लॉन्च प्रिंट्स हैव बीन सोल्ड आउट, पीपल हैव रियली अप्रिशिएटेड द लॉन्च। ये प्रिंट्स मैंने बनाए पिछले साल में, बहुत मेहनत करके बनाए एंड बहुत ज़्यादा इन पे टाइम इन्वेस्ट किया, और आज पीपल हैव रियली लाइक देम और लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली बहुत खुशी हो रही है। पुराने सॉन्ग्स के हवाले से हम सारे बहुत इन्जॉय करते हैं सुनना पुराने सॉन्ग्स को, और लता मंगेशकर और क्या कहते हैं जो बाकी रफ़ी और ये लोग सारे जो हैं, नुसरत फ़तेह अली पुराने तो नहीं थे वैसे, अब वो रहे नहीं हैं इस दुनिया में, बट उनके सॉन्ग्स भी बहुत इन्जॉय करते हैं। हाँ, हम थे जिनके सहारे वो हुए ना हमारे, हम थे जिनके वो हुए ना हमारे, डूबे जब दिल की नैया, सामने थे किनारे, हम थे जिनके से जो इस
लॉन्चिंग पे आई हुई है और इनसे जानेंगे इनके व्यूज। अस्सलाम वालेकुम। अनिला कैसी हैं आप? आई एम गुड, हाउ आर यू? यहाँ पे जो लॉन्चिंग हो रही है इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देयर सो मच ऑफ क्राउड और कुछ समझ नहीं आ रहा एंड यू नो एवरीबॉडी इज जस्ट मेस्मराइज्ड विद इलान बिकॉज फर्स्ट टाइम उनकी लॉन्च हो रही है तो आई एम ऑल्सो हियर। आई एम जस्ट होपिंग आई कुड बाय सम फॉर माई सेल्फ। पुराने सॉन्ग से आप क्या कहेंगे? वेल आई लाइक एन इंडियन सॉन्ग, तेरे बिना जिया जाए ना।